माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में आज लेक्चर नंबर 5 में मैं प्रियेश पटेल आपको सिखाने जा रहा हूँ रंगे कुत्ता मेथड। उसका दूसरा नाम ह्यून्स मेथड भी है। कभी कभी पूछा है मिड से में, बहुत ज़्यादा पूछते कॉलेज वाले होते ना, नाटक वाले, वो पूछते इसमें सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर तीन ऑर्डर है। वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं बोले तो सेकंड ऑर्डर ही हम कर सकते हैं। सबसे सिंपल, K1 इज इक्वल टू एच एफ एक्स जीरो बाई जीरो, K2 इज इक्वल टू एच एफ एक्स जीरो प्लस एच बाई जीरो प्लस K1, K इज इक्वल टू K1 प्लस K2 बाई टू और वाई एक्स जीरो प्लस एच इज इक्वल टू वाई जीरो प्लस K। इसमें लास्ट इक्वेशन तो हर एक में सेम है, फिर थर्ड ऑर्डर में K1 K2 K3 K फाइंड करो, फोर्थ ऑर्डर में K1 K2 K3 K4 K फाइंड करो, मतलब फंडा सेम है। सेकंड ऑर्डर में K1 K2 K, थर्ड ऑर्डर में K1 K2 K3 K, फोर्थ ऑर्डर में K1 K2 K3 K4 और K, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। हम यहाँ पे एक सम कर रहे हैं, देखो h की वैल्यू मतलब अगेन प्रॉब्लम, हमें अगर h की वैल्यू नहीं दी है तो h इज इक्वल टू x माइनस x जीरो से ही हमें फाइंड करना है। यहाँ पे x जीरो हमारा 1 है, y जीरो हमारा 0 है, x मुझा है 1.2 माइनस 1, तो ये 0.2 आना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितना है 0.1, मतलब अगेन दया, कुछ तो गड़बड़ है। तो सेम कुछ तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं, कुछ तो गड़बड़ मतलब दो बार करना पड़ेगा सब। मेरे माइंड में तो इतनी चीज़ें क्लियर है कि भाई 0.1 0.2 है, अगर 0.3 आ जाता तो तीन बार करवाती ये सारे सम हमारे पास। तो सेकंड ऑर्डर ही दिया है तो इतना टेंशन मत लो, फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हैं। K1 इज इक्वल टू एच एफ एक्स जीरो वाई जीरो, एच कितना दिया है 0.1, नहीं देते तो ये हम लेते एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, वन और जीरो कहाँ पर रखना है इसमें, ये फंक्शन है हमारा इस बार। अभी आई होप कि ये सबसे आप फेमिलियर हो चुके, तो ये तो आंसर 0.1 ही आएगा दोस्तों, कैलकुलेटर में वैसे भी कोई करने की ज़रूरत नहीं है। फिर K2 एच एफ एक्स जीरो प्लस एच वाई जीरो प्लस K1 एच पॉइंट जी 0.1, एक्स जीरो कितना है भाई ध्यान से हो, बहुत गलती मत हो जाए, 0.1 वाई जीरो जीरो और K1 कितना आया तो 0.1 1.1 और ये 0.1, इसको अभी रखना है हमें 1.1 का स्क्वायर और 0.1 का स्क्वायर, जो भी फंक्शन दिया उसमें हमें रखना पड़ेगा। चलिए थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दे, 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर इंटू 0.1, तो 0.122, बहुत सिंपल। फिर इसको किस में रखना है, K1 प्लस K2, देखो एक भी वैल्यू गलत मतलब आगे सब कुछ गया। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कैलकुलेटर में कैसे करते हैं पता है, 0.1 प्लस 0.12 डिवाइड बाई 2, फिर बोलते हैं आंसर नहीं आता, भाई ब्रैकेट करो यार, ऐसे कैलकुलेटर थोड़ी समझ लेता है। 0.1 प्लस पॉइंट, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करोगे तो वाट लग जाएगी, तो 0.111, इसको हमें क्या रखना है वाई एक्स जीरो प्लस एच में, एक्स जीरो दोस्तों मेरा क्या था 1, एच मेरा क्या था 0.1, तो वाई 1.1 पे वाई जीरो प्लस के मेरा इक्वेशन है, वाई जीरो मेरा कितना है दोस्तों 0 प्लस के, तो 0.111 कहाँ पे आया 1.1 पे, 1.1 पे 0.11 कहाँ घबराना है, 0.2 पे फाइंड, 0.2 पे हमें फाइंड करना, 1.2 पे करना है, बस एक स्टेप आगे और बढ़ना है, सेम टू सेम अगेन इनिशियल वैल्यू चेंज होगी, एक्स जीरो अब क्या हो जाएगा नया आया वो ये वाला, क्लियर। चलिए K1 फाइंड करते हैं, अभी इक्वेशन आप खुद लिखना, वो तो h तो 0.1 ही है, f ऑफ 1.1 ये तो 0.1 ही है, 1.1 का स्क्वायर, क्लियर। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, मज़ा लेते हैं, 0.1 का स्क्वायर 0.11 का स्क्वायर इंटू 0.1 0.11 का स्क्वायर इंटू 0.1, तो 0.122। चलिए K2 h 0.1 एफ ऑफ एक्स जीरो, एक्स जीरो 1.1, एच मेरा 0.1, वाई जीरो 0.111 और K1 0.122, तो 0.1 ये 1.2 आएगा और ये कितना आएगा 1.12, 2.13, 2.13, हाँ सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं, 1.2 कहीं पे कोई गलती मारी, 0.123 ही आएगा ना, K1 0.122 रखो, कोई बात नहीं हमारा सही है, चलो 0.122, अकेले अकेले पढ़ाने में ऐसा रहता है यार, आप साथ में होगे
तो थोड़ा और मज़ा आता। चलो इसका सिंप्लीफिकेशन करना ही पड़ेगा, 1.2 रेस टू स्क्वायर प्लस ब्रैकेट 0.233 रेस टू स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू पॉइंट, तो आंसर कुछ आता है पॉइंट 1.22 ओके 1.2 का स्क्वायर प्लस 0.0233 का स्क्वायर इनटू 0.1494 देखो यहाँ पे भी K2 का हमें आंसर मिला था बन, फिर यहाँ पे अभी हम कहाँ पे रखने वाले हैं K1 प्लस K2 डिवाइड बटे 2 पे, तो 0.122 प्लस 0.1494 डिवाइड बाय 2 तो आंसर 0.1357। इसको कहाँ पे रखना है जस्ट फाइनल इक्वेशन में, X0 दोस्तों इस बार 1.1 H.1 तो आंसर हमें 1.2 पे ही आ जाएगा ना जहाँ पे हमें चाहिए। क्लियर कहाँ पे रखना है, Y0 प्लस K, Y0 कितना था डन, तो 0.1357 0.111 तो आंसर 0.2467। इसमें कुछ है ये हमारा आंसर। यहाँ पे आपको एक सम होमवर्क में करना है, h की वैल्यू अगर न दी होती तो 0.2 लेके पहले स्टेप में ही आंसर आ जाएगा ये वाला। यहाँ पे h की वैल्यू 0.2 रख दोगे आपका आंसर ये सिंपल। यहाँ पे सेकंड की जगह पे थर्ड ऑर्डर बोला होता तो वो करते, फोर्थ ऑर्डर बोला होता तो वो भी करते, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन कोई भी एक में आपने मिस्टेक की तो पूरा सम गया। एक विंटर 2012 का सम दिया है, 3x प्लस वाई दिया है, x दिया है, सेकेंड ऑर्डर से करना है, 1.2 तक जाना है और h यहाँ पे दिया हुआ है। h की जगह पे कभी कभी स्टेप साइज भी लिखा होता है तो ध्यान रखना उसमें गलती मत करना। तो पहले स्टेप में इतना आंसर आता है, दूसरे में इतना, ये हमारा फाइनल आंसर। सेम विंटर 2012 का दूसरा सम है, dy/dx = x + y, फोर्थ ऑर्डर का करना है। y0 = 1 इनिशियल वैल्यू, h की वैल्यू बोल दी है। देखो ये ऐसा लिखा हो ना तो घबराना मत, यहाँ तक आपको जाना है, मतलब ये आपकी x की वैल्यू है, x.2 देखो 0 to 0.2 मतलब इनिशियल वैल्यू 0 से शुरू करो 0.2 तक जाओ, मतलब 0.2 पे आपको आंसर फाइंड करना है। सिंपल ऐसा समझना, वो लोग कभी आपको डराने के लिए ऐसा सब कुछ लिखते हैं लेकिन डरने का नहीं, दो स्टेप में सम होगा, पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो सो आई होप कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से मस्त समझ में आया है। रंगे कुत्ता इज ऑल्सो द मोस्ट IMP मेथड, देखो ऑयलर IMP मोस्ट IMP, रंगे कुत्ता मोस्ट IMP, उसके बाद टेलर, उसके बाद अपनी पिकार्ड्स और उसके बाद मॉडिफायर, वो तो करने की नहीं मॉडिफायर। तो आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपका बहुत मस्त क्लियर है। दो मेथड पूछने वाले हैं, वेटेज सबसे ज़्यादा है, इंटरपोलेशन जितना ही है, तो इसको अच्छे से रिवीजन करना, होमवर्क के सारे सम करना, इक्वेशन बहुत सारे हैं आई नो, तो इक्वेशन अच्छे से प्रिपेयर करते रहना, पढ़ाई करते रहना।